आई डोंट थिंक सो कोई सासू माँ ऐसा सोच सकती करने का जो मेरी सासू सोचा है. शी इज टू एडवांस लेडी. एंड बहुत ही सरप्राइजिंग था जब मैं रिसेप्शन के स्टेज पे थी और वो अचानक ऐसे एक आधी किलो का कुछ चमचमाता हुआ चीज जो मेरे सर पे जब वो रखा गया ना, तो आई वाज वंडरिंग, आई सेड मेरा एकदम से सर भारी हो गया. मैंने कहा मॉम व्हाट इज दिस. तो शी सेड कुछ नहीं, यू नो. लेटर ऑन आई केम टू नो दैट वाज हाफ केजी सिल्वर का क्राउन, यू नो. तो मुझे एकदम से लगा कि मैं माइथोलॉजी शो कर रही हूँ वापस से कोई, एंड आई एम प्लेइंग सम दुर्गा माँ और माँ शक्ति, यू नो. तो वो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सिल्वर क्राउन जो वो आई थिंक पटना से बना के लेकर आई थी मेरे लिए. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. आई थिंक मेरे तो पूरे, एंड मैंने कभी किसी को देखा नहीं किसी की सास किसी बहू को ऐसे वेलकम करती है घर पर, यू नो. तो इट वॉज नाइस नाइस वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्ट बाय हर. जिस तरह से कहा आपने कि बहुत केयरिंग है, बहुत कम ही मौका मिलता है जब इस तरह से लोग देखने को मिलता है. जैसा आपने भी कहा कि एक मैथोलॉजिकल मतलब दुर्गा अवतार जैसा कुछ दिख रहा था, तो सबसे पहले जब वो मोमेंट था और जब वेलकम हुआ था, तो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे किस तरह से माँ ने वेलकम किया था और गिफ्ट दिया था और क्या क्या चीजें गिफ्ट मिली आपको. मेरी सासू माँ मुझे राइट फ्रॉम मतलब मेरी इतनी कूल सासू माँ है. जब से मेरा प्रवीण का रिश्ता तय हुआ था, आई थिंक उन्होंने अप्रैल में ही, मैं कलकत्ता में प्रवीण से मिली थी और वो उनका जन्मदिन था और उन्होंने जबरदस्ती प्रवीण को आई थिंक एक मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन एक कुछ लाख रुपए का उन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट भेज दिया था एंड एक गोल्ड ईयरिंग. तो आई वाज लाइक ऐसे प्रवीण ये तुम्हारे घर से पहला गिफ्ट है और मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती, यू नो. गिफ्ट है ठीक है, अंडरस्टैंड, बट बोले नहीं ये मम्मी का जन्मदिन है, उन्होंने खास करके तुम्हारे लिए भेजा है, यू नो ऐसे. सो आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, बट आई सेड टू एक्सपेंसिव. उसके बाद में तो उन्होंने मुझे हर ब्रांड के चश्मे से लेके शूज से लेके, बिकॉज आई एम एन एक्टर, दुबई जा रही है तो वहाँ मैंने शॉपिंग करी है. तो मैं उनको, मैं उनसे बात करती तो मैं बोलती थी अभी ये अवार्ड है, वो अवार्ड है, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी है. तो वो मेरे लिए जहाँ जहाँ भी जाती थी, यू नो, शी टू गेट क्लोथ्स फॉर मी बिकॉज आई एम एन एक्टर, हमें इतने तैयार होना पड़ता है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने हर चीज़ मेरे प्रोफेशन के हिसाब से, उन्होंने जहाँ तक कि मेरे को शादी में जो मेकअप बॉक्स जो आया था वो लंदन से लेकर आई है, यू नो, कि नहीं वो इसको यही देना है, इसको यही करना है. तो उन्होंने बहुत मुझे गिफ्ट दिया. उन्होंने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे काली मोती का ओरिजिनल मोती का उन्होंने मुझे सेट दिया है. आई रिमेम्बर दैट वाज माय बर्थडे और समथिंग. तो मैंने कहा कि मॉम सफ़ेद मोती का सेट तो बहुत कॉमन है, काला मोती वेरी वेरी रेयर, यू नो. इट इज दैट आई वॉन्ट टू गिव यू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट थिंग, यू नो. एंड दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. सिरोटा अगर आप जानते हैं, यूपी बिहार में ना लड़कियां उसको लेकर फेरे करती हैं, बहुत फेमस है यूपी बिहार में सरोटा. तो मैं तो मुंबई रहती हूँ तो मुझे जो वहाँ से सरोटा मिला वो मैंने लिया, बट मेरी मॉम मदर इन लॉ ने जो मुझे सरोटा दिया है बिहार से, वो मेरे से सरोटे से ज़्यादा खूबसूरत है. इट इज़ वेरी प्रिटी, यू नो, ह्यूज बिग सरोटा. तो उसको ही लेकर मैंने फेरे किए थे एंड आई थिंक उनके सारे गिफ्ट में से वो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है. इवन वो चांदी के क्राउन से ज्यादा क्लोजेस्ट है, यू नो.